जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने टाइटल सुना है, बिल्कुल सही है, कपिल शर्मा का शो अब खत्म हो चुका है। दरअसल सोनी चैनल ने कपिल शर्मा को 107 करोड़ रुपए दिए थे अप्रैल के महीने के रिन्यूअल के लिए। इसका मतलब था कि वो अप्रैल में भी ये शो कर सकते थे, लेकिन उनके पास पूरी टीम ना होने की वजह से वो शायद ये शो अप ना करें। सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि कपिल शर्मा को ये रिन्यूअल इसलिए मिल रहा था क्योंकि 18 अप्रैल को बाहुबली फिल्म रिलीज होने जा रही थी और उसकी प्रमोशन के लिए कपिल के शो में पूरी बाहुबली की स्टारकास्ट आने वाली थी, जिससे सोनी चैनल को काफी प्रॉफिट होने वाला था और इसी के लिए कपिल शर्मा को 107 करोड़ रुपए दिए गए थे ताकि वो अप्रैल के महीने में भी ये शो करें। लेकिन शनिवार को टेलीकास्ट हुए एपिसोड से सोनी चैनल को ये पता लग चुका है कि बिना सुनील ग्रोवर, अली असगर और चंदन प्रभाकर के शो पूरा नहीं हो पा रहा। हालांकि कपिल शर्मा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये 107 करोड़ रुपए उन्हें देने ना पड़े और वो अप्रैल में इस शो को कंटिन्यू रख पाए और इसके लिए उन्होंने सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव और एहसान कुरैशी से भी बात की है। लेकिन दर्शकों की नाराजगी का असर कपिल शर्मा के शनिवार वाले एपिसोड में साफ दिखा है, जिसकी वजह से उनकी टीआरपी काफी गिर चुकी है। अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी अगले एपिसोड में कि कपिल शर्मा का शो अप्रैल में आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर इस शनिवार को कपिल शर्मा का एपिसोड नहीं आता तो आप मान लीजिएगा कि कपिल शर्मा का शो बंद हो चुका है। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली वीडियो मिस न कर पाओ।